ऐसे समय जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है, रूसी विदेश मंत्री गुरुवार को भारत आ रहे हैं। सर्गेई लावरोव दो दिनों के दौरे पर भारत आज पहुंच जाएंगे। यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमले के बाद रूस और भारत के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में कहा गया है, रूसी फेडरेशन के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर होंगे। इस दौरे का एक बड़ा मकसद भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल देना हो सकता है। रूस ने भारत को रुपया रूबल कारोबार के तहत सस्ते में कच्चा तेल देने की पेशकश की है। यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा समेत लगभग पूरे पश्चिमी दुनिया ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका रूसी अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है। मॉस्को ने रुपया रूबल कारोबार की जो पेशकश की है उससे रूस को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि इसके तहत वो भारत को अमेरिकी डॉलर नहीं बल्कि रुपये में भुगतान कर सकता है। यदि कच्चे तेल पर सौदा तय हो जाता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने की संभावना बनती है, क्योंकि उसे सस्ते में कच्चा तेल मिलेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात हो सकती है। कुल $5 अरब के इस सौदे में भारत को 6 एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। भारत इसके लिए $3 अरब का भुगतान कर चुका है और उसे पहला डिफेंस सिस्टम मिल भी चुका है। सर्गेई लावरोव भारत को यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि आर्थिक प्रतिबंधों से भारत न डरे, उसे ये डिफेंस सिस्टम जरूर मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि रूसी विदेश मंत्री रूस यूक्रेन युद्ध में भारत से राजनीतिक समर्थन मांग सकते हैं। भारत ने अब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के समर्थन में वोट नहीं डाला है, वो वोटिंग में गैर हाजिर रहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में तो भारत ने रूस के खिलाफ मतदान किया था। समझा जाता है कि रूसी विदेश मंत्री की यात्रा का मूल मकसद भारत को अपनी दोस्ती की याद दिलाना है। पिछले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। सवाल ये उठता है कि क्या रूस, चीन, भारत एक मंच पर आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको जल्द ही बताएंगे।